जोकरी में ईद उल फितर करीब आते ही चोरों और डाकुओं ने चोरी के बाजार गर्म कर दिए। जोकरी के शहर को रात में नामालूम अफराद ने मोहसन सांगरों के आचोस दुकान का ताला तोड़कर नकद रकम और कीमती सामान लेकर आसानी से फरार हो गए। जराए के मुताबिक जोकरी शहर में ईद उल फितर करीब आते ही चोरों डाकुओं ने चोरियों की वारदातों में इजाफा कर दिया, दुकान की लूट मार कर ली गई। ताजा जोकरी शहर के मोहसन सांगरू के आचोस दुकान का ताला तोड़कर नकद रकम 8,000 और 50,000 का कीमती सामान लेकर चोर आसानी से फरार हो गए। इस वाक्य की तलाश पुलिस स्टेशन डोकरी थाना को दी गई, मगर अफसोस चोरों डाकुओं को गिरफ्तार करने में मुकम्मल तौर पर पुलिस नाकाम। दूसरी जानिब मोहसन सांगरू मीडिया से गुफ्तगु करते हुए कहते हैं कि मेरी दुकान में तीसरी बार चोरी हुई है, चोर और डाकू पुलिस से भारी हैं, जो अब तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। इन्होंने मजीद कहा कि 2 माह पहले भी मेरी दुकान के ताले तोड़कर नकद रकम और कीमती सामान लेकर आसानी से चोर फरार हो गए थे। रात तीसरी बार मेरी दुकान के ताले तोड़कर नगद रकम और दीगर सामान लेकर चोर फिर आसानी से फरार हो गए। इन्होंने SSP लाड़काना सरफराज नवाज, DSP डोकरी, SHO डोकरी से अपील की है कि टूटा हुआ सामान और नगद रकम वापस करवाई जाए और मुझे तहफ्फुज़ फराहम किया जाए।